मेरा नाम सौम्या है और मैं अनंत मंडी से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अनंत मंडी की आप फाउंडर मेंबर रही हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बना, इसको स्थापित करने के पीछे क्या सोच आप लोगों के मन में आई? हम लोग कुछ कहना चाहेंगे कि एक कम्युनिटी डेवलप करना चाहते थे, मतलब एक कम्युनिटी ऐसी डेवलप करना चाहते थे जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाएँ, ऑर्गेनिक के अलावा ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ जो कि सस्टेनेबल हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो कि किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रही है पर्यावरण को। इस तरह की चीज़ें हम एक जगह पहुंचाना चाह रहे थे और हम किसानों को, जो जैविक किसान हैं, उनको कंज्यूमर से जोड़ना चाह रहे थे। ऐसी कोई जैविक मंडी नहीं लगती थी, मतलब लोगों को पता था कि कुछ होता है, ऑर्गेनिक कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो हम एक लोकल मार्केट डेवलप करना चाहते थे जहाँ पर जैविक किसान खुद आके बता पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो उनसे ही सामान ले पाएँ, ताकि उनको पूरा प्रोसेस भी पता हो कि किसानी कैसे होती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। उस उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया था। जनमानस को अपने से जोड़ने में आप कितनी कामयाब हुई हैं? अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि कितना कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, बट एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा, तो हम इसमें और लोगों को जोड़ते जाते हैं और किसानों को जोड़ते जाते हैं और ग्राहक को जोड़ते जा रहे हैं। अब 3 साल हो चुके हैं तो एक लोकली तो एक नाम लोगों को पता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि अनंत मंडी एक चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो ऑर्गेनिक होगी, वो शुद्ध होगी। तो ये धीरे 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 ट्रस्ट डेवलप होता जा रहा है जब से लोग आते जा रहे हैं। बहुत सारे ग्राहक जो हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स खुद फार्म भी विजिट कर चुके हैं बहुत सारे फार्मर्स के, तो उस तरह से भी एक ट्रस्ट डेवलप्ड होता है और धीरे धीरे उस कम्युनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम पियूली है और मैं अनंत मंडी की ऑर्गेनाइजिंग टीम में शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ। जो सोचा था कि 3 साल में अनंत मंडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड होगा, आपको ऐसी आशा थी, उसमें आप क्या सफलता देख रही हैं? बिल्कुल, तो अनंत मंडी का कॉन्सेप्ट एज अ स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश हुआ है अभी पूरे शहर भर में, काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा और विजिटर फुटफॉल तो रहा ही, और उसके अलावा फार्मर्स के एंड से भी मध्य प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों से फार्मर्स आए थे, तो इस तरीके से ग्रो तो किया ही है। और अब अनंत मंडी, जैसा कि मैं कह रही हूँ, एक एस्टैब्लिश स्पेस है जहाँ पर ऑर्गेनिक सामान मिलता है, जहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड चर्चाएँ होती है, इस तरीके का कल्चर बिल्ड होता है, तो वो काफ़ी एस्टैब्लिश हुआ है। किसानों को अपने से जोड़ने के लिए आप कितना प्रयास करती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं और कैसे किसानों को आपने से जोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट लोग देखें भी और खरीदें भी? किसानों को, मतलब हमारा जो अनंत मंडी लगता है उसका एडवर्टीजमेंट तो इधर उधर कई सारी जगह जाता ही है, तो जो किसान शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपने सर्कल्स में इसको प्रमोट करते हैं और वो करते हैं, तो उसके थ्रू और नए किसान जुड़ते हैं, साथ में जुड़ते हैं, तो फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका फार्म विजिट करते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो, और उनसे फिर अच्छे से गहन रूप में चर्चा करके कि क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, फिर उनको हम अनंत मंडी में लाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली भले ही अगर ना जाए, पर जो ऑलरेडी पहले से फार्मर्स जुड़े हुए हैं, पहले से पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, उनके थ्रू बहुत वाइडर सर्कल्स में और भी कुछ और नेटवर्क से भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो लार्ज लेवल पे फार्मर्स के साथ काम करते हैं, उन तक भी हम ये बात पहुंचाते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो आप लोग आइए और ऐसे। और जनरली लोग भी एक दूसरे को काफ़ी इन्फॉर्म करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से भी काफ़ी। तो भोपाल की जो जनता है, अनंत मंडी की खबर पढ़कर या उसकी सूचना प्राप्त करके आप तक पहुँच जाती है, और किस तरीके की चीज़ों को आप लेने में ज़्यादा उसकी रुचि है? ज़्यादातर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ग्रेन्स, तेल, मसाले, गुड़ वगैरह, रैंडमली जो लोग विजिट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे होती है, हस्तशिल्प वाले प्रोडक्ट्स, उसको भी काफ़ी, क्योंकि वो ऐसे दिखने में भी काफ़ी अच्छा अपीलिंग उस तरीके का रहता है, और कई सारे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बना के लेकर आते हैं अभी तो कई सारे ग्रुप्स, तो उनमें भी कई लोग रुचि रखते हैं, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रखने में। फिर उसके अलावा जो लोग गार्डनिंग वगैरह करते हैं अपने घरों में, तो वो सीड्स का और खाद वगैरह का, इन सब चीज़ों का भी हमसे पूछते रहते हैं कि कब आएगा, तो लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स में रुचि रखते हैं लोग। तो अच्छा, इसको और भी दायरा इसका बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से और क्या कोशिश कर रही हैं, क्या प्लान्स हैं आपके आने वाले समय में कि भोपाल के साथ साथ बाकी जगहों पर भी अनंत मंडी लगे? अभी तो पहले हम लोग भोपाल में ही इसको और एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी हमने तैयारी शुरू भी कर दी है। अभी हम इसको, अभी तक गांधी भवन में होता था पिछले 3 सालों से, अभी गांधी भवन का भी कंटिन्यू हो रहा है, पर इसके अलावा इसको हम अब अलग अलग कॉलोनीज़ में भी, शहर के अलग अलग कॉलोनीज़ में भी स्टार्ट कर रहे हैं, और वो वहीं पर ही उनकी कॉलोनी में ही उन्हें मिल जाए, तो इस तरीके से अलग अलग और भी जगहों पर मंडी को एक्सपैंड कर रहे हैं, भोपाल की अलग अलग जगहों के, थोड़े रूरल एरियाज से छोटे किसान जो हैं, रूरल एरियाज के किसान जो हैं, या इस तरह के ग्रुप्स जो है, FPOs हो गए, फार्मर कलेक्टिव्स हो गए, उनको भी कैसे हम लेकर आ पाए। तो
क्या कहना चाहती हैं भोपाल के लोगों से या जो भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे? हम भोपाल में इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को कि क्यों ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहिए, और सबसे पहली बात तो अपने खाने पे और अपने सेहत पे ध्यान ही क्यों देना चाहिए। मतलब हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, पर फूड हमारा एक मेजर एस्पेक्ट है जो हमारे सेहत को ड्राइव करता है। तो और आप इसके बारे में देखिए, पढ़िए, जागरूक होइए कि आप जो रेगुलर खाना बाज़ारों से लेकर खाते हैं वो उगाया कैसे जाता है। मतलब बेसिकली अपने खाने के और करीब जाइए, अपने भोजन के और करीब जाइए, उसके बारे में जानिए, और फिर जागरूक होकर आप आइए इस चीज़ पे स्विच करिए। तो सेहत को अगर आपको अच्छा रखना है, अपने भोजन से जुड़ी हुई जानकारी और अलग अलग जगहों से प्राप्त करिए। अनंत मंडी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जब आप आते हैं तो इस तरह की चर्चाएँ होती है, माहौल ही वैसा होता है, तो और जो लोग किसान आते हैं वो अच्छे से जानकारी दे पाते हैं आपको कि कैसे वो खाना उगाते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह के स्पेसेस से जुड़िए, आइए, आपका वेलकम है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आपकी आनंद मंडी दिन ब दिन तरक्की करती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है आपका? वरुण राय। वरुण जी, आप आनंद मंडी में कितने साल से जुड़े हैं और क्या सोच कर आप इससे जुड़े? मैं आनंद मंडी से लॉकडाउन के बाद से जुड़ा हूँ। मैं बेसिकली इधर पार्टिसिपेंट भी हूँ कि हम स्टॉल्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट थे, जब लॉकडाउन के बाद में गूगल को जलाने के लिए बात हुई थी तो हमने उसका ही एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था। आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है अनंत मंडी का, वो कितना आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है? अनंत मंडी एक भोपाल के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक से रिलेटेड पूरा चेक करके यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि हमारे को मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक की क्वालिटी वो चीज़ मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ये लोग उसको चेक करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ है ना चेक करने में आती है कि ये ना ये ऑर्गेनिक जो दे रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये इस चीज़ को पूरा चेक करके यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमारे को यहाँ पे जो भी मिलता है वो फिल्ट्रेशन होकर के मिल रहा है। तो जो कस्टमर के पास जा रहा है, इवन मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मालूम है वो प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, तो उन्हें ख़रीदने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है या फिर बजट नहीं होता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर मिल रहा है तो यहाँ पे उसको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी लेके आते हैं वो कंपेरेटिवली मार्केट के प्राइस से तो कम प्राइस ही में देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट दे रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक के साथ में जब भी आप अगर करेंगे जस्टिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट का जो बन रहा है प्रोडक्ट उसमें और इसमें बहुत फ़र्क आता है। तो उसमें प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कस्टमर पसंद नहीं करते उस चीज़ को। जो कस्टमर को मालूम है और वो अवेयर है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, वो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक में जाएगा ज़रूर। एक बार अनंत मंडी से ज़रूर जुड़ के देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक के लिए वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। एक बार विज़िट ज़रूर करें हमारे पास, अपना एक्सपीरियंस फिर हमें बताएं यहाँ पर। आपका शुभ नाम? हाई, आई एम गीतू सैनी थॉमस। अच्छा। केरला से सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। केरला इज फेमस फॉर बेस्ट स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, और हमें वो नेचुरली ग्रोन बिना पेस्टिसाइड के वहाँ के सॉइल में उगे हुए स्पाइसेस कहीं भी नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने ये ब्रांड क्रिएट किया है जहाँ पे हम वहाँ पे नेचुरली ग्रोन स्पाइसेस, जो वहाँ के नेटिव स्पाइसेस हैं, जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची, वहाँ की कॉफ़ी, वहाँ की चाय, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं नॉर्थ इंडिया में। उसके लिए हमारा खुद का ब्रांड है, हम वो सारे स्पाइसेस को वैलिडेट करते हैं, पैक करते हैं, मार्केट करते हैं। तो उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हम अनंत मंडी से एसोसिएट हुए हैं, बिकॉज अनंत मंडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेचुरली ग्रोन प्रोडक्ट्स और बेस्ट एग्जॉटिक्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर से रिलेट करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर से रिलेट करता है। सो आई एम एसोसिएटेड विद अनंत मंडी फॉर दैट, सो आई प्रमोट माई ब्रांड केरल स्पाइसेस फॉर दीज प्रोडक्ट्स विद अनंत मंडी। इट्स अ वेरी गुड ग्रुप, एंड आई थिंक इस तरीके के ग्रुप्स और फॉर्म होने चाहिए अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज आज की डेट में फॉर सस्टेनेबल लिविंग, फॉर यू नो केमिकल फ्री लिविंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके के फार्मर्स, इस तरीके के रिटेलर्स से हम कॉन्टैक्ट में आए, सो दैट हम अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रोवाइज कर पाएँ। सो अनंत मंडी गिव्स अस दैट प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव आर लाइफ स्टाइल, टू मेक आर लाइफ स्टाइल मोर सस्टेनेबल एंड केमिकल फ्री। आपको क्या लगता है कि अनंत मंडी ने जो 3 साल के आसपास उसका सफ़र हुआ है, लोगों ने किस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है इसको? मैं अनंत मंडी से ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा ही हो गया जुड़ी हुई हूँ, और मैंने देखा है अनंत मंडी का सफ़र, जो मैंने देखा है, आई थिंक
थिंक जो क्राउड आता है, जो पुल होता है, आज की, पहले लोगों को पता नहीं था, आज की डेट में लोगों के पास अवेयरनेस है. हमको अगर हम ज़ीरो मार्केटिंग भी करें तो पीपल वॉक इन टू आनंद मंडी. आनंद मंडी का वो एक वाइब है, वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया आनंद मंडी में, जहाँ लोगों को पता है कि हाँ, हम जाकर के अगर परचेजिंग करेंगे तो वी विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स. सो आनंद मंडी हैज़ रियली ग्रोन. बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो उसको ख़रीदने के प्रति उतना उत्सुक नहीं होते हैं, उतना रुझान नहीं होता है उनका. हाँ. तो इसकी वजह आप क्या मान? एक्चुअली सी, आई अंडरस्टैंड, लोगों के डेफिनेटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और होना भी चाहिए, बिकॉज उनको ग्रो करने में जो एफर्ट्स लगते हैं. आज की डेट में आप अगर एक ऑर्गेनिक फार्म विजिट करने जाएंगे तो आपको पेस्टिसाइड से भरा फार्म के टोमेटोज़ बहुत हरे, बहुत सारे, बहुत खिले हुए दिखेंगे. ऑन दी अदर हैंड, ऑर्गेनिक फार्म के टोमेटोज़ को प्रिजर्व करना, उनको वो खिला हुआ दिखाना किसी भी फार्मर के लिए इजी नहीं है. रेगुलर वाटर रिक्वायरमेंट, सॉइल अपग्रेडेशन, ये सब, उसका देखरेख, बहुत चीज़ें लगती हैं जो ऑर्गेनिक, जो नॉर्मल हाइब्रिड फार्मिंग के अगेंस्ट, केमिकल फुल फार्मिंग के अगेंस्ट ऑर्गेनिक फार्मर को करनी पड़ती है. उसके अलावा ऑब्वियसली जब हम क्वालिटी दे रहे हैं, सो बेसिकली आनंद मंडी का मोटिव वही है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, पर उसको लेने से क्या एडवांटेज, क्योंकि आप उस चीज़ का एडवांटेज अपने बॉडी में तो नहीं दे पा रहे. उससे अच्छा 2 रुपये ज़्यादा दे के आप वो प्रोडक्ट लीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. वी आर टेलिंग पीपल कि हम क्यों कॉस्ट इफेक्टिव हैं. तो अपनी तरफ से क्या मैसेज आप साथियों को देना चाहती हैं ताकि वो आनंद मंडी की महत्ता को समझें? देखिए, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को जाना है. हमारे घर में भी कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे लोग ख़राब चीज़ें या ख़राब वस्तुएं इस्तेमाल करने के कारण बीमार पड़े हैं और आज भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं. उसके लिए आनंद मंडी से जुड़ना या आनंद मंडी जैसे कई एसोसिएशन से जुड़ना, ऑर्गेनिक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना, अपनाना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारी बॉडीज़ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी. पहले अपना परिचय दे दो. मेरा नाम डॉक्टर अनुप्रिया सोनी है और मैं अनंत मंडी से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ. अनुप्रिया जी, हमें बताएं कि अनंत मंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अनंत मंडी दरअसल एक ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट है भोपाल में, जहाँ जैविक किसान अपना सामान प्रोड्यूस जो उनका रहता है, जैसे दाल, सब्जियाँ, स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले होते हैं, या कोई औषधियाँ होती हैं, वो जो लोग बनाते हैं, वो अपना यहाँ एक, हम उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ वो अपना आके सामान बेच सकते हैं. मेन अनंत मंडी का फार्मर्स को लाना एक मोटिव है कि फार्मर्स डायरेक्ट एक कस्टमर से एंगेज हों, ताकि कस्टमर्स समझें कि जैविक क्या है. क्योंकि आजकल अगर आप देखें प्रैक्टिकली, जैविक को बहुत महंगा कहा जाता है, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते हैं. हमारा मोटिव ये कि आप डायरेक्ट फार्मर से पूछिए ना कि महंगा क्यों है, क्या प्रोसेस लगती है, कैसे उसको उगाया जाता है. अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो बेसिकली एक किसान और एक कस्टमर, या जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करना. तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस अनंत मंडी की आवश्यकता क्या है? अभी आवश्यकता यह है कि आजकल जैसे आपने देखा, अभी कोरोना काल गया, बहुत स्थिति खराब की देखा जाए तो इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा असर हुआ है लोगों की. बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, यहाँ महंगाई की बात ज़रूर है, मैं मान रही हूँ कि सामान महंगा, लेकिन वो समय भी तो कितना ले रहा है उत्पाद करने में. जब ना आप उसमें कोई भी आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करें, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके वो अपने आप चीज़ें शुद्ध हो गई. तो आप शुद्ध चीज़ें खाओगे, अच्छी चीज़ें खाओगे, तो अपने आप बीमार नहीं रहेंगे. तो एक अच्छा स्वस्थ जीवन शैली इंट्रोड्यूस करना है, इस वजह से हमने अनंत मंडी की शुरुआत करी. आज अनंत मंडी की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं लगा रहे हैं, लोगों को ये भी बता रहे हैं कि उगाया कैसे. आप अपने घर के किचन गार्डन में उगाइए ना सब्जी. हम ये नहीं कह रहे आप हमसे लो, आप सीख के जाइए. जो चीज़ें नहीं आप उगा सकते वो आप यहाँ से लेके जाइए, लेकिन खाइए हेल्दी. मेन मोटिव ये है. तो आने वाले समय में आप किस प्रकार से अनंत मंडी को और भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, और लोगों ने किस प्रकार का प्रत्युत्तर यानी रिस्पांस दिया? लॉकडाउन के बाद भी रिस्पांस हमारा काफ़ी अच्छा रहा. हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन घर घर तक किसानों ने अपने सामान पहुंचाया, सब्जी भाजी, ग्रेन्स रहे, अनाज पूरा सब पहुँचाया. आगे हम अनंत मंडी को ऐसा देखते हैं कि ये सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं है, इसमें हम वर्कशॉप्स जो रहती हैं, कई बार हमारे यहाँ पोल्ट्री वर्कशॉप्स भी आती हैं. मिट्टी के बर्तन लोग बना के ले जा रहे हैं, खुद से एक अलग ही खुशी होती है, खुद की मेहनत का बनाया हुआ लेके जा रहे हैं घर. तो हमारे एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी है, थोड़ा इंगेजिंग फन एक्टिविटीज़, कई बार कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बैंड्स आते हैं. कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई छोटे मोटे, जैसे हम प्लांट्स जो उगा सकते हैं या सिखा सकते हैं, माइक्रो ग्रीन सब उगाना, वो हम यहाँ सिखाएं. तो बेसिकली ये जो जगह है, ये एक सीखने, सिखाने,
एक मार्केट प्लेस और साथ में एक अच्छा सोशलाइजिंग, हेल्दी सोशलाइजिंग जो कहते हैं, एक अच्छे लोगों से मिलना जुलना, एक वो स्पेस है और इसी को हम एज अ अनंत मंडी आगे देख रहे हैं। क्या आपका निवेदन है लोगों से कि वो अनंत मंडी का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा खाइए, लोगों को प्रोत्साहित करिए, स्वस्थ रहिए। कोशिश करते हैं कि हम फार्मर्स से जोड़ें उनको। बेसिकली हम एक से एक जोड़कर ये कम्युनिटी बनाना चाहते हैं।